गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है KBS क्लासेस पर। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं पीछे मेडल्स और ये काफ़ी सर्टिफिकेट्स हैं, ये मैंने बैकग्राउंड एक सेट किया है जो मैंने अपने लाइफ में अभी तक अचीव किया है, वो सारे आपको आप पीछे दिख रहा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे तो वो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। चलिए, तो ये केवल बैकग्राउंड के लिए है ताकि कॉन्फिडेंस आता रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो मैक्सिमम जो पार्ट्स आपके एग्जाम में रखे रहते हैं ना, उन सभी पे मैं काम करूंगा। मैं जानता हूँ आप सभी को जो है नोट्स अच्छे से प्रोवाइड आपको कर दिए जाते हैं, जितने भी अच्छे चैनल से, जैसे आपका स्टडी आईगो हो गया, Edit247 हो गया, आपका अफेयर्स क्लाउड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, तो Study91 हो गया आपका, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको जो है करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और डेली के साथ साथ ये आपको जो है PDF भी आपको मिल जाता है और अच्छे से वो बता भी देते हैं, लेकिन हाँ, लर्न करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं लर्न आपको यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। आपको जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको जो है फॉलो करते जाना है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जहाँ पर भी हैं उसको आप जो है बोलिए, ठीक है। जिस भी कंडीशन में उसको आपको बोलना है मेरे साथ, जब बोलते रहेंगे तो जब चीज़ें जुबान पे आने लग जाएंगी तो चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी, होनी जो है शुरू हो जाएंगी और आप अच्छे से सीखते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ये आपका एपिसोड ये बहुत अच्छा होने वाला है, और वन बाय वन करके मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखूंगा। आप ये नहीं कह सकते, पहले तो पढ़िए अच्छे से, आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और आप यही याद करेंगे, और इसी समय में जितना ये टाइम है इससे अलग कोई टाइम नहीं रहेगा कि अब मैं आपको कुछ याद करने देने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट आपको जो है यहीं पर लर्न कराने वाला हूँ। तो जितना मैं बोलता जाऊंगा उतना आपको समझते जाना है और अच्छे से सुनते जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तो मैंने जो है नोट्स अपने से खुद से बनाए हैं, तो कौन कौन सी मुझे पता है कौन कौन सी न्यूज़ आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो हर एक तरीके से जितने भी आप अभी अपने तरह तरह के चैनल देखते हैं ना, तो कम से कम 5-6 मेरे पॉइंट ऑफ सोर्स हैं जहाँ से मैंने ये जो है नॉलेज कलेक्ट की है, और वहीं से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि जब मैं फिनिश करूंगा इसका मतलब क्या है, चारों तरफ से यानी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वो वाला सेशन या फिर वो वाला पार्ट्स पूरा तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको मेरे साथ क्या करना है, सुनते चलना है, समझते चलना है और बोलते चलना है, और यहीं भी याद करना है, बाद में याद नहीं करना है, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, अभी मैं जैसे जनवरी के लेके चलूंगा, 1 जनवरी से, तो जनवरी का पोर्शन जो है जनवरी से लेके चलूंगा, और आपका चलेगा कम से कम पूरा जनवरी लेके कवर करूंगा, और ये फरवरी 2021 पूरा कवर करूंगा, उसके बाद हम पीछे का देखेंगे, पहले अभी हम इसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता लग गया कि इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, और मैंने ये आज से शुरू किया है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से समझ भी आएगा। बस क्या है कि धीरे धीरे करके चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इन बातों पर आपको गौर फरमाना है, ठीक है। चलिए, जिन जिन के बारे में बोलते जाऊँ अच्छे से सुनते जाना उसको, ठीक है। तो 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल जितने भी न्यूज़ आई हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल जितने भी न्यूज़ आई हैं वो मैं आपसे जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो है ऐसी, और ये जो जिनके बारे में पता, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, कुछ चीज़ें मैं आपको अभी लर्न करने के लिए कहूँगा, और कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक है। अभी मैं जो लर्न करने के लिए कह रहा हूँ उसे आप लर्न करिए, और बाद में मैं उसको वो जो कन्फ्यूजन रहेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है वगैरह वगैरह, वो सारा मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट क्या है, चेयरमैन पर्सन, सारा कुछ, ठीक है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, और मैं वहाँ पर ट्रिक्स भी लेकर आऊंगा कि उसे आप लर्न कैसे करेंगे, और इसी समय बात के लिए नहीं, ठीक है। चलिए, तो ICICI बैंक हैज लॉन्च अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। जो ICICI बैंक है उसने जो है एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, इंस्टा एपेक्स, जिसका नाम क्या है, इंस्टा एपेक्स, ठीक है। ICICI बैंक, तो ICICI बैंक ने जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इंस्टा एपेक्स। अब वो इंस्टा एपेक्स जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका यूज करके आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो करेंसी है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी को चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या फिर एक मनी से दूसरी मनी में, ठीक है, एक देश की मनी से दूसरे देश की मनी में आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ICICI बैंक जो अब प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसने जो है आपको इंस्टा एफएक्स एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसका यूज करके आप जो है मनी का ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई, आगे बात करते हैं। इससे पहले ICICI बैंक जो है फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड दे रहा था, जिसके थ्रू आप मनी को जो है चेंज कर सकते हैं। मनी को चेंज करने के लिए फिजिकली तौर पर ICICI बैंक के पास जो है फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड था। क्या था? फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड था। इससे पहले फिजिकली तौर पर, मतलब आप हाथ आपके हाथ में एक कार्ड रहेगा जिसका है ICICI बैंक
जो है फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड जो है आईसीआईसीआई बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड पहले से आपके पास था, लेकिन ये तो आपका फिजिकली तौर पे था कि आप जो है आप अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड है आप बैंक में लेके जाइए और मनी का ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब पैसे को एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक ने फॉरेक्स जो है इंस्टा एफएक्स, क्या आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा एफएक्स जो है लॉन्च किया है, क्या किया है इंस्टा एफएक्स जो लॉन्च किया है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। अगली हम लोग बात करते हैं टू सेव ऑनलाइन पेमेंट्स फ्रॉड्स। तो ऑनलाइन पेमेंट्स जितने भी फ्रॉड होते हैं उनको बचाने के लिए, जो ऑनलाइन के थ्रू जितने भी आपके फ्रॉड होते हैं उनसे बचाने के लिए एयरटेल ने जो है एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है, किससे बचाने के लिए, ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए एयरटेल ने अपने कस्टमर्स के लिए, एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए एयरटेल सेफ पे जो है लॉन्च किया है। आप जो है एयरटेल सेफ पे का यूज़ करके आप जो है यूपीआई और नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप एयरटेल सेफ पे पर एक पोर्टल है वहाँ से जाके आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई और नेट बैंकिंग का यूज़ करके एयरटेल सेफ पे के थ्रू आप जो है पैसा सही से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन फ्रॉड का कोई खतरा नहीं है और ऐसा एयरटेल पेमेंट बैंक ने कहा है। तो ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें जो है ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है क्या किया है, एक जो है ऑनलाइन पोर्टल जो है एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप यूपीआई और जो है नेट बैंकिंग कनेक्ट करके आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें फ्रॉड का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है ऑरा क्रेडिट कार्ड, जिसमें कि सेवरल हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट्स रहेंगे, जैसे डेथ लोन्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके से काफ़ी आपके लोन्स हैं। तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है ऑरा क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है, जिसमें आपको क्या होगा कि बहुत सारे हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। और ये जो क्या बोलते हैं एक्सिस बैंक के थ्रू जो है केवल एक्सिस बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हीं को मिलेगा, ऑरा क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और ऑरा क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो जो है बहुत सी तरीके के हेल्थ और जो वेलनेस बेनिफिट्स हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और ये केवल एक्सिस बैंक के कस्टमर्स ही करेंगे, ठीक है। तो और जो एक्सिस बैंक है उसने लॉन्च किया क्या, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो डी सिप्स मतलब कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स में, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स में 2018 की लिस्ट में, 2018 की जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स में कौन कौन से बैंक शामिल हुए हैं, एक तो SBI बैंक शामिल हुआ है, LTFC बैंक शामिल हुआ है और ICICI बैंक शामिल हुआ है, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं आपकी, तो 2018 की लिस्ट में जो है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक की जो लिस्ट आई है 2018 में उसके अकॉर्डिंग जो है डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक कौन कौन से हुए हैं, एक तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, LTFC बैंक है और आपका ICICI बैंक है, तो ये तीन बैंक हैं, ठीक है। अगली हम लोग बात करते हैं RBI हैज़ इम्पोज मॉनेटरी पॉलिसी पेनल्टी और 2 करोड़ रुपए की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उस पर 2 करोड़ की पेनल्टी RBI ने लगाई है। क्या जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उस पर 2 करोड़ की पेनल्टी जो है RBI ने लगाई है, ठीक है। किस लिए क्योंकि डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, यानी कि स्टार्टेड जो चार्टर्ड बैंक है उसमें जितने भी फ्रॉड होते हैं उसको डिले ही मतलब रिपोर्ट किया जाता है, डिले ही मतलब रिपोर्ट करने में काफ़ी वो समय ले लेते हैं, जिसकी वजह से RBI ने 2 करोड़ की पेनल्टी स्टार्टेड चार्टर्ड बैंक पर लगा दी है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब आप सभी के मन में मतलब कि ये क्वेश्चन अराइज होगा, सर स्टेट चार्टर बैंक की टैगलाइन क्या है, इसका CEO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, वो सारे मैं आपसे डिस्कस करूँगा डेफिनेटली। मैंने कहा ना कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अभी लर्न करिए और बाकी का पोर्शन मैं डेफिनेटली आपसे एक एक बार डिस्कस करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है केयर रेटिंग एजेंसी है। केयर आपका क्या है, रेटिंग एजेंसी है। इसके अकॉर्डिंग भारत की जो GDP है वो 2021 में, केयर के अकॉर्डिंग भारत की जो GDP है 2021 में 7.8% है अभी, और इससे पहले 7.8% से पहले केयर ने भारत की GDP जो है 9 से 9.5% के बीच में रहेगी भारत की GDP, ठीक है। केयर की फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये 1993 में बनी थी केयर। केयर की फुल फॉर्म है क्रेडिट एजेंसी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च
लिमिटेड क्या है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, 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 क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। और ये 1993 में एस्टेब्लिश हुई थी केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। इसके ये एक रेटिंग एजेंसी है। इसके अकॉर्डिंग भारत की GDP जो है 2021 में 7.8% अभी है। इससे पहले 2021 के ही लिए जो है केयर यानी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड ने जो है 2021 की ही जो है कहा था कि जो भारत की जो GDP रहेगी वो 9 से 9.5% की है। अब उसने अपने स्टेटमेंट को बदल के कहा है कि अब भारत की जो GDP है 7.8% तक रहेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 18 से 24 जनवरी के बीच के जितने भी जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल जितने भी अवेयरनेस वाला पोर्शन आया था कि ये बैंकिंग जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है ये आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम अभी से लेके चलेंगे और मैं पूरा एक एक पोर्शन जो है वीक बाय वीक क्लियर करूंगा और फिर उसके बाद पूरे मंथ का लूंगा और डेफिनेटली हम हर एक पोर्शन को लेंगे जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने जो है चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको कंटिन्यूअस मिलती जाए। ठीक है, मे बी कि आपको यहाँ से आसपास का थोड़ा सा जो है साउंड ज़्यादा आ रहा होगा तो उसके लिए मैं थोड़ी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको साउंड जो है बैकग्राउंड नॉइस आपको ना सुनाई दे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।